टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। आज के बुलेटिन में सबसे पहले हम श्रीनगर में तुलबा की मदद से शहर की सफाई सुथराई की मुहिम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सड़कों, गलियों, पार्कों और पब्लिक एरियाज की सफाई का काम तुलबा किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसमें एक एक्टिविटी है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा के तहत आज का जो 26 सितंबर का शेड्यूल था वो हॉटस्पॉट्स लेने थे हमें, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड कुछ बस स्टैंड जहाँ पर हमने देखी थी ये लेटर कोड़ा करकट वगैरह, तो वो साफ करना था। तो हम यहाँ पर इस प्रताप पार्क में आज आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत गंदगी भी देखी थोड़ी बहुत, तो वो हमारे इन बच्चों ने जी जान के साफ किया। तो इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर आगे सोमू अड्डा है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमने सुबह वहाँ से आते देख के हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत कूड़ा करकट है, वो भी हम साफ करते जाएं। मोटिवेशन ये है कि हमें यहाँ पर ये माहौल जो है ना वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल से हम देख रहे थे कि माहौल बहुत खराब हो गया था, तो वो माहौल वापस, ताकि हमारा जो सेहत है वो ठीक रहे। माहौल बहुत खराब हो गया था, बहुत बच्चे वॉलंटियर बहुत बहुत आगे आ रहे हैं, तो जी जान के वो काम करते हैं, इस सिलसिले में कॉन्शियस हो गए हैं वो बहुत सारे, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये भी अपना पॉजिटिव दे रहे हैं। हम कह सकते हैं हम सफाई के बगैर कुछ नहीं है। सफाई हमारे लिए, हम ये खुद के लिए ही कर रहे हैं, हम अपनी फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अवर फ्यूचर। हम कह सकते हैं जैसे पैंडेमिक ने हमें हिट किया, हमारी इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, हमें बहुत चीजों पर ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है। सो हम सबको मिलके इस पे बहुत ही गौर फिक्र करना है कि कह सकते हैं हमें सफाई इतनी इम्पॉर्टेंट समझनी, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी है, इसके बगैर हम नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमारा मेन मोटिव है यहाँ साफ सफाई करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पर लोगों को मैसेज दे सके कि हमारे लिए क्लीनलीनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जहाँ पर कचरा रहेगा वहाँ पर बीमारियां भी रहेंगी और जो लोग इससे अफेक्टेड होते रहते हैं। आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निकाला है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि हर जगह इस इनिशिएटिव का फॉलो करना चाहिए, हर लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो सफाई का प्रोग्राम है आमतौर पे लोग इसे शर्म महसूस करते हैं कि हम सफाई नहीं करेंगे, कि अच्छा काम नहीं है और लो कास्ट की तरफ जाते हैं कि ये इनका काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम सबका काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये करना है, ये हम सबका काम है और हम सबको इसमें मिलजुल के सहयोग करना चाहिए। कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कैरन सेक्टर में होने वाले डेवलपमेंट को मकामी लोग सराह रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले सीज फायर के बाद इस इलाके में अमन देखने को मिल रहा है, जिसके नतीजे में बिजली की तरसील हो रही है और नई सड़कों के जाल बिछ रहे हैं।
होती थी सर, बहुत शिलिंग होती थी। हम बड़ी मुश्किल से आप दिन गुजारते थे, यहाँ छुपते थे पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे हम रहते, हमारे बच्चे हम रहते थे सर। आप 5-4 साल हो गए सर, उसके बाद हमारा हाल वाल बिल्कुल ठीक है सर, हम भी खुशी से जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं खुशी के सर। लेकिन सर हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह फजल करे, अच्छी तरह माहौल बने, अच्छी तरह हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे केन को हमारे इलाके को हो जाए, नाम जिंदा हो जाए जनाब, हम भी यही चाहते हैं जनाब। अच्छे हालात होने का आज मतलब ये भी है कि बाहर से लोग घूमने आते हैं, जैसे शहरों में बेशक सर, श्रीनगर से, जम्मू से सर, आगे से उधर से आगे से भी आएंगे सर। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है सर कि यहाँ आ रहे हैं सर, हम बहुत खुश हैं सर इस माहौल से, बहुत खुश हो रहे हैं सर, बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए बॉर्डर पर रहना बहुत ही मुश्किल है, ये कठिन काम है, ज़िंदगी बॉर्डर की गुजारनी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर हालात अक्सर व बेशतर ख़राब रहते हैं। आज से पहले जो यहाँ पे हालात रहते थे वो वक़्त भी हमने देखा है, हमारे लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी, जब यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, कोई काम नहीं हो पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा लोग मुश्किलातों का सामना कर रहे थे। लेकिन हाँ, लेकिन के पिछले चंद सालों से बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आई है और हर एक इंसान तब्दीली चाहता है। रीज़न है वो ये है कि पिछले जो 4 साल में हमने देखा है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर का जो माहौल यहाँ पर बना है पूरे यूटी में, उसी की वजह से ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आज अंडरटेक की जा पा रही हैं। एंड ऑब्वियसली जो सीज़फायर वायलेशंस हैं वो भी आज की डेट में नहीं है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू विज़िट केरन। एंड आई इन्वाइट ईच एंड एवरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कि एक बार वो प्लीज़ केरन आए, एंड वी विल इंश्योर दैट यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव अ पीसफुल, दैट इज़ द मेजर रीज़न फॉर स्माइल्स फॉर द लोकल पीपल ओवर हियर, बिकॉज विद पीस कम्स डेवलपमेंट। एंड वी एंड आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट couple of years we'll see a complete facelift for the entire Keran Valley. शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और टेक्नोलॉजी ने 555 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का श्रीनगर में इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद इलाके की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। Done my master's in engineering, in civil engineering background, and further dairy. I started my growing interest in dairy after reading several research papers, and finally we came to the execution part, जहाँ पे हमें animal husbandry department की तरफ से काफी help हुई, and further in terms of technical support, हम SCOST के पास गए, and they were really helpful. And वहाँ पे they were having some MSME programs, जिन workshops में हमने participate किया, and they were very beneficial. And finally we had some of our own ideas, जैसे precision diet formulation हो गया, building of IoT devices हो गया, and how to harness the energy or the finances from our byproducts. ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार के इस शालीमार कैंपस में आज एक लॉन्च प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को दिए गए 555 स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को करवाने के लिए। तो मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पहली बार पिछले साल इस मिनिस्ट्री ने इस यूनिवर्सिटी के लिए 66 प्रोग्राम अप्रूव किए थे स्किलिंग प्रोग्राम, और उनकी सक्सेस को देखते हुए इस साल इस मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटी के लिए 555 प्रोग्राम को सैंक्शन किया है, और ये देश में किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, और ये शायद इस
بات کی طلب اشارہ کرتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اور پوری جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اب اس کا زور ہے کہ اپنی یوتھ کو ہم نے سکل کرنا ہوگا، ٹرین کرنا ہوگا ان کو بزنس اور انٹرپرینرشپ میں۔ کشمیر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن نے پہلگام کے علاقے میں اپنی 15ویں سالانہ میٹنگ کی، جس میں علاقے کے اندر سیاحت کو مزید فروغ دینے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پہلگام کو ہم لوگ نے اس لیے چنا کیونکہ یہ کشمیر کی ایک سب سے خوبصورت ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے، تو لیکن یہاں پہ آ کے تھوڑا سا دکھ ہو گیا، اس لیے سب سے پہلے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کشمیر کو ایز اے سسٹینیبل ایز ایکو ٹورزم ڈیسٹینیشن پروموٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ خاطر خواہ کوششیں نہیں کر رہی ہیں۔ تو ہم نے صبح کے ٹائم پہ تھوڑا سا واک لیا، وی واک ڈاؤن ان دا ولیجز ہیئر اینڈ وی کوڈ سی آل دا شیبی کنسٹرکشنز مونسٹرز بینگ بلٹ آئی ڈونٹ نو وائی یو نو ود آؤٹ دا پرمیشن۔ تو کشمیر ایک فریجائل زون ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کو اور اسٹیک ہولڈرز کو اس ایریا کو جو ہے ایز اے سسٹینیبل ٹوریزم پروموٹ کرنا چاہیے، ایز ایکو ٹوریزم ڈیسٹینیشن پروموٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، ایکچولی جو ہماری ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف کشمیر جو ٹراک کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک فرنٹ لائن آرگنائزیشن ہے ٹریول ایجنٹس اینڈ ٹور آپریٹرس کی۔ یہ ایک سالانہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور ہر کی طرف ہم ایک نئی ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں یہ کنونشن منانے کے لیے اور انورجل میٹنگ کو انعقاد کرنے کے لیے۔ تو اس بار پہلگام کی وادی میں، خوبصورت وادی میں آ گئے ہیں، دو دن سے یہاں پر ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، ایک تو نئے الیکشنز بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے جس سے کہ ہماری ٹورزم انڈسٹری کو اور آگے بڑھنے میں جو مدد دے گی۔ ابھی ہم لوگ کل آئے تھے، میں اور میرا بیٹا دلی سے، ہمارا ابھی تک کا ایکسپیرینس بہت ہی پریزنٹ رہا ہے، یہاں کے لوگ بہت پیار سے ہمیں لک آفٹر کر رہے ہیں اور ہم کل پہلگام کی 3 ویلیز کر کے آئے ہیں اور دل بہت ہی خوش ہو گیا ہے اور آلریڈی ویٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے بولا مارچ اپریل میں بہت سندر ہوتا ہے زیادہ، آلریڈی ویٹ کر رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں پھر ترنت آئیں یہاں پہ۔ کپوڑا ڈسٹرکٹ کے تیتوال گاؤں میں شاردا ڈیوائس کو خوب جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اس کی ایک خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔
इसमें जो कि एक मैसेज बहुत ही अच्छा है, इसमें सब थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब इसमें कोई पीछे नहीं था। तो ये एक यात्रा थी बट इसमें अनेक धर्म थे। जब देश आता है तो हमारा देश पहले रहता है, देयर इज़ नो रिलीजन, कोई नहीं आता है। शारदा दिवस पे हम जो है सालाना यात्रा करते थे शारदा पीठ के लिए। हमारे चार रूट थे यहाँ पे, पुराने रूट, सबसे शॉर्टेस्ट लिधरवन जुमागढ़ दुधनियाल वाला है 17 किलोमीटर, केरन से भी रास्ता है 20 किलोमीटर, यहाँ से 70 किलोमीटर टीटवाल से, तारबल घुरे से भी एक रूट है, पर ये वाला जो टीटवाल वाला रूट है ये छड़ी मुबारक का रूट था, जैसे अमरनाथ के रूट है बाल तलोर छड़ी मुबारक का रूट पहलगाम से, इस तरह ये छड़ी मुबारक रूट है। तो छड़ी मुबारक रूट को दोबारा से कायम करा जाए, उसी तर्ज पे फिर से छड़ी यहाँ से निकले। हमने आज यहाँ सिंबॉलिक छड़ी मुबारक यात्रा करी, जो टेंपल भी इनॉग्रेटेड है वहाँ पे पूजा करी। तो अब हम टेंपल से ये यात्रा लेके सिंबॉलिकली हमारा लास्ट पॉइंट जो यहाँ है वाइट लाइन वहाँ तक आगे। तो ये एक सिंबॉलिक है पर इसको कन्वर्ट करना इंटू रियलिटी, जो हमारी सर्वग्नि पीठ है उधर उस पहाड़ी के पीछे शारदा पीठ, तो हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अमित शाह जी ने भी जिस तरह से इनॉग्रल एड्रेस में बोला है तो उस पर उनको कायम रहना चाहिए, भारतीय सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।